यूपी में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक काफी माथापच्ची हुई। दरअसल समाजवादी पार्टी दो सीट देने को तैयार थी। अखिलेश यादव कांग्रेस को गाजियाबाद और खैर सीट देने को तैयार थी। कांग्रेस यूपी उपचुनाव में 5 सीटें मांग रही थी। तनातनी बढ़ने पर अखिलेश कांग्रेस को तीसरी सीट फूलपुर देने पर भी राजी हो गए। अब अखिलेश ने कहा है कि सभी 9 सीटों पर गठबंधन के उम्मीदवार साइकिल के निशान पर लड़ेंगे। तीसरी सीट के ऑफर के कुछ घंटे के बाद ही अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, लिखा, बात सीट की नहीं जीत की है। इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत के लिए एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी है। इंडिया गठबंधन इस उपचुनाव में जीत का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पा रहा कि कांग्रेस के कितने उम्मीदवार साइकिल के निशान पर लड़ेंगे। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.